गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक बार पढ़ लें अच्छी तरह से। बड़ी प्रॉब्लम है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ मिस्टर शिव कुमार हु रिक्वेस्टेड यू टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 11 एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है, मार्च 2010 के बैलेंसेज दे रखे हैं और मार्च 2011 के बैलेंसेस थे। कैश ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द ईयर्स इंक्लूड द फॉलोइंग्स, ये ट्रांजेक्शन दे रखे हैं। इसके बाद ये और एडजस्टमेंट दे रखे हैं, बिल्स रिसीवेबल, सम ओल्ड फर्नीचर्स। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है ट्रेडिंग पीएलओ बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग पीएलओ बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हम जो फेस पर हमें बनाना है वो हम बना देंगे। तो ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट एज ऑन नहीं आएगा, फॉर द ईयर आता है 31 मार्च 2011। ठीक है, ये हमारी यहाँ तक लाइन आइटम्स ट्रेडिंग के आ जाएंगे और ये पी एंड एल के लाइन आइटम्स आ जाएंगे। इसके नीचे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2011 हम लोग लिखेंगे। ठीक है, फिर वर्किंग नोट्स बनेंगे। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर गौर से देखें तो डेटर, क्रेडिटर, बीआर, बीपी सबके बैलेंस दे रखे हैं। इसका मतलब है कि चारों अकाउंट जो हमारे बनते हैं वो बनेंगे डेटर, क्रेडिटर्स, बीआर, बीपी। तो एक हमारा कैश एंड बैंक अकाउंट भी बन जाएगा। सॉरी, पेज चेंज करना था मुझे। और इसके साथ हमारे जो चार ट्रेडिशनल अकाउंट्स हैं वो बना देते हैं, जिनमें एक डेटर अकाउंट, एक बीआर अकाउंट एक क्रेडिटर अकाउंट और एक बिल्स पेबल अकाउंट। ये चार अकाउंट्स हमने बना दिए। ठीक है, इसके साथ हमें एक बैलेंस शीट भी बनानी होगी। कब की? 31 मार्च 2010 की। क्यों? ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी ना, तो नेक्स्ट पेज पे हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। और अगर कोई वर्किंग नोट्स एडजस्टमेंट्स हैं तो वो हम इसके नीचे बना देंगे। ठीक है, सिंगल एंट्री कन्वर्जन मेथड का बिल्कुल एक प्लेन कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट को बार 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 आपने अप्लाई करना है। सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंसेज हैं उन्हें प्लेस कर दें। ओपनिंग बैलेंस में आप ये जो वैल्यूज दी हैं इनको लिख सकते हैं।
ठीक है। जैसे बैलेंस शीट की वैल्यू जो है वो लिखें, क्वेश्चन में दी है बिल्डिंग तीन लाख बीस हजार, फर्नीचर साठ हजार, मोटर कार अस्सी हजार, स्टॉक की वैल्यूज नहीं दी है तो इसको निकलेंगी। इसके बाद बिल्स पेबल दे रखे हैं 28,000 के, कैश एंड बैंक का बैलेंस दे रखा है 1,80,000, डेटर का बैलेंस है 1,60,000, बिल्स रिसीवेबल हैं 1,20,000। ये जो आपकी मार्च 2010 के बैलेंसेज हैं ये हमने सब जगह प्लेस कर लिए, ठीक है। अब इनके बेसिस पर आगे हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले इन बैलेंसेज को सब जगह अलग अलग जगह ट्रांसफ़र कर दें। तो कैश एंड बैंक, डेटर, क्रेडिटर्स, BR BP, ये हम नेक्स्ट पेज पे ओपनिंग बैलेंसेज ट्रांसफ़र कर देते हैं। ओपनिंग बैलेंस मैं पर्पल कलर से कर रहा हूँ। ओपनिंग बैलेंस कैश एंड बैंक का कितना है 1,80,000, डेटर का ओपनिंग बैलेंस हाउ मच 1,60,000, बिल्स रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस 32,000, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस 1,20,000 और बिल्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस 28,000, ठीक है ना। ये हमने ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिए। अब ये ट्रांजैक्शंस जो दिए हैं इनको प्लेस कर दें। ये कैश बुक के ट्रांजैक्शंस हैं, तो लिखा है सेल ऑफ ओल्ड पेपर्स एंड मिसलेनियस इनकम। तो यहाँ पर मिसलेनियस इनकम आ रही है 20,000 की, ठीक है। फिर क्या दिया है, मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस 80,000 की हैं। फिर आपके कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 2,00,000 के हैं, तो डेटर्स में बाय बैंक आ जाएगा 2,00,000। फिर क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर को हमने 1,84,000 पे किया है, तो क्रेडिटर में 2,00,000, 1,84,000। कैश परचेज है और कैश सेल है, कैश सेल हमारी 80,000 है और कैश परचेज हमारी 48,000 रुपीज़ है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन दी है, इन इन्फॉर्मेशन को डेटर क्रेडिटर हमने प्लेस कर दिए हैं। बाकी जो इन्फॉर्मेशन जहाँ से रिलेटेड है वहाँ लिख दें। जहाँ पर जैसे मिसलेनियस इनकम कितनी है 20,000, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 80,000,
यहाँ पर अभी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूज नहीं दी हैं, बट आ जाएंगी। परचेज, ये वर्किंग नोट, इसके लिए हम वन बनाएंगे। और सेल, ये वर्किंग नोट, इसके लिए टू बनेगा। ठीक है, वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। चलिए अब आगे पढ़ें। ये नीचे के जो एडजस्टमेंट हैं अभी नहीं पढ़ रहे हम लोग, पढ़ते हैं। पढ़िए क्या लिखा है। बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू रुपीज 20,000 एंड बिल्स पेबल एक्सेप्टेड है 16,000 के, तो इनकी एंट्री पोस्ट कर दें। बाय बिल्स रिसीवेबल 20,000, तो यहाँ पर आ जाएगा टू डेटर 20,000। बिल्स पेबल एक्सेप्ट किए हमने 16,000 के, तो बाय क्रेडिटर 16,000। ठीक है, अच्छा, ये फर्नीचर का एडजस्टमेंट जो है वो अभी हम होल्ड कर रहे हैं। आगे पढ़ें। ऑफ द डेटर्स अ सम ऑफ रुपीज 8,000 शुड बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, और 2% का हमें प्रोविजन बनाना है। तो डेटर्स में पहले तो बैड डेट्स कर दें 8,000 के। ठीक है, जब 8,000 के बैड डेट्स हो गए तो वो P&L में भी जाएंगे। इनका प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी बनेगा 2% से, वो कैलकुलेशंस बाद में आएगी। अगला एडजस्टमेंट पढ़ें। मिस्टर शिव कुमार मेंटेन अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन सेल। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी मार्च 10 की 8,000 है और मार्च 11 की 10,000 है, तो ये यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी आएंगे 8,000 और मार्च 11 का मतलब है इस बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 आएगी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया था कि P&L का क्रेडिट बैलेंस हमारे पास 40,000 है, तो P&L का क्रेडिट बैलेंस अगर 40,000 है तो वो हमारा ये कैपिटल अकाउंट जो है वो एज इट इज चला जाएगा, और P&L का ओपनिंग बैलेंस हमारा 40,000 आ जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ें। 20% ऑफ दी, यस, ये लाइन हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरे क्वेश्चन को यहीं से ड्राइव करता है। 20% ऑफ द टोटल सेल एंड परचेज आर टू बी ट्रीटेड एज कैश, और कैश सेल और कैश परचेज दे रखी है, इससे हमारी टोटल निकल आएगी, तो ये वर्किंग नोट अब हमारा यहाँ पर काम आएगा। ठीक है, एक तो वर्किंग नोट वन, वर्किंग नोट टू गिवन है कैश परचेज कितनी है 48,000 और कैश सेल ये हमारी है 80,000। सो ये भी इंफॉर्मेशन के बिना कि जो कैश परचेज है वो है 20% ऑफ टोटल। सो टोटल परचेज कितनी होगी, दो लाख 40,000। ठीक है जी, और इसमें
उसमें क्वेश्चन कर लिया। एक मिनट होल्ड करिए जरा। ये हो चुका है कुछ। दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी डन। सॉरी